are not born to suffer. We are here to enjoy the life to the fullest. But फिर भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा इसलिए है कि जो हमारी खुशी है, जो हमारी हैप्पीनेस है, वो लाइफ में 5 पिलर्स पर आधारित है। और अगर इनमें से एक भी पिलर वीक हुआ तो हमारी लाइफ नुमा इमारत गिर सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है, मान लो आप एक क्लास में हैं और आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। उन 5 सब्जेक्ट्स में से 4 में आपके 100 out of 100 आ गए, लेकिन एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो क्या आप पास होंगे? आपका रिजल्ट क्या रहेगा? फेल। चाहे आपके चारों सब्जेक्ट में 100 out of 100 आए हैं, लेकिन एक में अगर फेल हैं तो आप फेल ही हैं। इसी तरह लाइफ में अगर 5 में से 4 पिलर में आप बहुत अच्छा करते हैं और एक में खराब करते हैं तो आप खुश नहीं हैं, आप फेल हैं। जबकि अगर 5ों में आप अबव एवरेज कर लेते हैं और 5ों में पास रहते हैं तो आप कंपैरेटिवली खुश हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें 5ों पिलर्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और 5ों को एक साथ आगे बढ़ाना चाहिए। जितना बेटर कर सकते हैं 5ों को उतना बेटर करें। पर पहले ये जान लेते हैं कि ये 5 पिलर हैं क्या। तो पहला पिलर है हमारी फिजिकल हेल्थ। माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड। अगर हम फिजिकली हेल्दी नहीं होंगे तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड भी ठीक नहीं होगी। अगर हम ठीक स्टेट में नहीं हैं, अनरिसोर्सफुल स्टेट में हैं, तो हमारे डिसीजंस भी ठीक नहीं होंगे और हमारा रिजल्ट भी वैसा ही होगा। इसलिए हमारी फिजिकल हेल्थ पे काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। सेकेंड पिलर है हमारी इमोशनल हेल्थ। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नेगेटिव सिचुएशंस के टाइम पे अगर हम स्ट्रांग नहीं होंगे, इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात हो सकती है। दूसरा, अगर हम इमोशनली वीक होते हैं तो हम बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी को भी क्राइसिस में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि अगर हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो हम क्राइसिस में से भी अपॉर्चुनिटीज़ को निकाल लाते हैं। इसलिए इमोशनल हेल्थ पर भी हमें काम करना है। तीसरा पिलर है हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कि मनी, धन। मनी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनर्जी इन आवर लाइव्स। हमारी लाइफ में ये बेहद इम्पॉर्टेंट एनर्जी है। अपनी लाइफ नुमा गाड़ी को स्मूथली चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, तो इस पर भी हमें ध्यान देना है। चौथा पिलर है हमारी सोशल वेलबींग। वी आर ए सोशल एनिमल और सोसाइटी में हमारा क्या स्टेटस है, क्या मान है, किस तरह से हम लोगों के साथ बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सोशल वेलबींग को भी हमें इम्प्रूव करना है। पांचवा पिलर है हमारे रिलेशनशिप्स। हम दूसरों के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं, अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग्स में, अपने इन्वायरमेंट में किस तरह से हम दूसरों के साथ रिलेट करते हैं, ये भी डिसाइड करता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। और यहाँ सिर्फ दूसरों के साथ ही नहीं, हम अपने साथ भी, खुद के साथ भी किस तरह से रिलेट करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। सो, किस तरह से हम अपने साथ रिलेट करते हैं और दूसरों के साथ रिलेट करते हैं, ये भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो अगर हम इन 5 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करें तो हमारी लाइफ वंडरफुल हो जाएगी, अमेजिंग हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी। सो कीप फोकसिंग On these 5 pillars continuously, regularly. Thank you. God bless.